सो हे गाइस, दिस इज आर्यन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप थोड़ा स्ट्रेंज हो रहे हो कि मैं कैसे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि शोभित साई का चैनल मैंने हैक कर लिया है, अब इस पर मैं ही व्लॉगिंग करूँगा और मेरी व्लॉगिंग आएगी, तो आपको वही देखना होगा। सो स्टे ट्यून। मैं मजाक कर रहा था गाइस, हमारे साथ हमारा भाई है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे पहले वाले घर से और अपने भाई के साथ। जो लोग आर्यन को जानते हैं, ये आर्यन मेरा फ्रेंड एंड काफी टाइम से मेरा फ्रेंड है गाइस, एंड इसने व्लॉग स्टार्ट करा आज का। और वो जो कुछ भी था गाइस, प्रैंक कर रहा था। आर्यन मेरा काफी टाइम से फ्रेंड है, हम काफी टाइम से दिल्ली में फ्रेंड थे बट कभी व्लॉग में आए नहीं, बट आज आ रहा है व्लॉग में। आज कैसे गए भाई? हाय गाइस, आज मिले बहुत टाइम बाद सही से। हाँ, बहुत टाइम बाद सही से मिल रहे हैं हम लोग, ऐसे बहुत पढ़ाई वढ़ाई रहती है। हाँ यार, मतलब नींद भी था करीब उस टाइम से, मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था उस टाइम नींद बहुत करीब था, इसलिए आर्यन थोड़ा। तो जैसे कि गाइस, ये घर जिसमें मैं पहले व्लॉगिंग करता था, अब आर्यन ने ले लिया है वो घर। अब आर्यन रहता है इस पर, यही पे रहता है, यही प्रिपरेशन करता है। मैं चला गया अपना बिहार यार यहीं पर, बट मेरा गाइस अब बहुत मन कर रहा है, काश मैं अभी यहीं पर आ जाऊँ। दिल तो बहुत कर रहा है मेरा, अभी गई मैं सिर्फ एक दो दिन ले आया हूँ। एंड गाइस, आर्यन ने घर का लुक पूरा चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। एंड गाइस, आर्यन ने व्लॉग बनाना स्टार्ट करा है। तो इस घर का टूर आपको मैंने दिया था, बट अब न्यू टाइप से न्यू लुक इस घर का टूर आपको दे देगा आर्यन, आर्यन के व्लॉग चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लिंक, आप लोग जाके जरूर चेकआउट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना भाई? ओके, दूसरे को आज आया यार इस व्लॉग में, बट आप इसको देखोगे अब डेली व्लॉग में, आप देखना, मतलब डिस्क्रिप्शन जाके चेक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड गाइज, आर्यन ना क्लास 6 से 10 तक नैनीताल में था, नैनीताल बोर्डिंग स्कूल में, मतलब पहाड़ों में रहा हमेशा। अभी नीट के बाद जाएंगे एक बार घूमने के लिए, एक बार बस नीट में अच्छे मार्क्स आ जाए, कॉलेज बढ़िया मिल जाए और फिर घूमने ही। मार्क्स तो अभी भी आज अच्छे आए हैं, इस मार्क्स पे पहले सिलेक्शन भी होता था बहुत पहले, बट अभी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए, आपको पता है। मार्क्स भी बढ़ रहे हैं बट कोई नहीं गाइस, दिस टाइम विल रॉक। इस बार फोड़ना है, इस बार कॉलेज लेके रहेंगे एकदम एकदम भाई, आज दिल्ली मिलेंगे साथ में, मस्त। एंड गाइज, आपको जो कुछ भी पूछना आर्यन से, इसके नीट में कितने मार्क्स आए हैं, मतलब जो कुछ भी पूछना आपको, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो लिंक, उस पर जाके कमेंट करो, जो भी आपको जानना है वो बता देगा आपको। तो फिलहाल गाइज, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। ये रहे गाइज रजत भैया, बैठे हुए हैं फ़ोन चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देख रहे। एंड ये रहा गाइज आर्यन का चेयर और उसका टेबल, मतलब उसका पूरा सेटअप पढ़ाएगा, ये भी पढ़ता है वो। अभी कौन सा लेक्चर देख रहे हो भाई? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, पहले लेक्चर रहता आई थिंक, मैंने नहीं समझा क्या। राधा जी और कृष्ण जी का छोटा सा मूर्ति भी लगाया हुआ है। एंड ये रहा गाइस हमारा गेट जिसपे आर्यन ने लगाया हुआ प्रिडिक्ट टेबल, एंड ये मैंने लगाया था बायोलॉजी के चैप्टर्स के नेम। क्या बोल रहे हो? हाँ ये तो है। सो फाइनली गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, पिज्ज़ा करते हैं, है ना आर्यन भाई? खाएं। तो गाइस, मेरा कॉर्न पिज्ज़ा, आर्यन का पनीर पिज्ज़ा एंड मिक्स वेज। तो गाइस, अभी फाइनली ब्रेकफास्ट हो चुकी है। एंड गाइस, हम में से हर किसी का कोई ना कोई सपना जरूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपके सपनों के राहों में दे आपका साथ। तो गाइस, फिजिक्स वाला हमें देता है नए सफर और नए मंजिल की ओर बढ़ने की क्षमता। एंड गाइस, आप सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की एक प्रॉपर लैंडिंग हुई मून पे है। इस प्राउड वाले मोमेंट पे गाइस, फिजिक्स वाला आपके लिए लेकर आए काफी सारे ऑफर्स 24 से 26 तक। सो गाइस, बैचेस के नेम यकीन 4.0, इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीड ड्रॉपर बैच। एंड अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपके लिए बेस्ट बैच है ये, आपका 250 से 650 तक का रोड मैप। एंड इस बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए। एंड गाइस, दिस बैच इज स्टार्टेड ऑन 28 अगस्त, तो आपके पास टाइम भी है ज्वाइन करने के लिए। एंड द सेकंड बैच इज अर्जुन नीट 3.0 2024 बैच, एंड ये कंप्लीट 11th नीट एस्पिरेंट बैच है, एंड इसकी भी प्राइस गाइस सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए। एंड द थर्ड बैच इज लक्ष्य नीट 3.0 2024 बैच, एंड ये कंप्लीट 12th नीट एस्पिरेंट बैच है, अगर आप 12th में हो गाइस तो आपके लिए बेस्ट बैच है, एंड इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए। इन ऑल बैचेस यू कैन यूज द कूपन कोड SS150, इससे आपको मिलेगा 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट, जिससे आपका बैच और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। एंड इन ऑल बैचेस फिजिक्स वाला आपको दे रहा है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो आपको बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी में स्ट्रॉन्ग। वीकली 6 डेज क्लासेस होंगे, एंड एक क्लास का ड्यूरेशन आपको होगा 1 hour 45 minutes का। इसमें आपको मिलेगा PDF notes of each classes on फिजिक्स वाला एप्लीकेशन, साथ ही मैं आपको मिलेंगे शेड्यूल
टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर प्लानर एंड आपको मिलेगा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। साथ ही में गाइस 11th नीट जेईई बैचेस के अलावा आपको मिल रहे होंगे पॉकेट कोर्स सिर्फ और सिर्फ 49 rupees में। एंड इन दिस कोर्स आपको मिलेंगे गाइस वन शॉर्ट वीडियोस ऑफ ईच चैप्टर एंड इसमें आपको मिलेगा 50 questions विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। एंड गाइस आप अपने अकॉर्डिंग अपने बैच के अकॉर्डिंग ले सकते हो मॉड्यूल, क्योंकि हर बैचेस के लिए एक प्रॉपर मॉड्यूल भी बनी हुई है जो आपको पढ़ाई में काफी मदद करने वाली है। आप लोग जाकर चेकआउट करो, मैंने डाला था लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड हाँ कूपन कोड यूज करना मत भूलना। तो फिलहाल गाइस निकलते हैं, आर्यन को बाय बोलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग सीपी आ चुके हैं और अभी वो भी आ रहा है, अभी आता है, उससे मिलते हैं। बजट भी अभी गाइस बैठ चुके हैं हम लोग वेट में। थैंक यू। पेट पूरी कैसा लग रहा आपको? आप तो खाए मैंने पहले। एंड गाइस मेडिको इन्फो जी पहली बार खा रहे हैं भेलपूरी, पहली बार एक्सपीरियंस। कैसे है? भेलपूरी गोल टाइप का होता है, पूरी टाइप का। लेकिन कैसा लग रहा है भाई खा के? पहली बार एक्सपीरियंस, अब तो फॉरेन में मिलेगा नहीं। लेकिन गाइस फाइनली हम मिल चुके हैं अपने मेडिको इन्फो से और आई नो गाइस कि आप सभी जानते होंगे इनको, इनके यूट्यूब पे अराउंड कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 1 lakh+ अराउंड। इनको सिल्वर बटन भी मिल चुका गाइस, है ना भाई? आपने देखा होगा। और भाई भी नीट एस्पिरेंट है, आप सभी जानते होंगे, ब्लॉग में आते हैं भाई ने। हमारे तुम्हारी ऑडियंस म्यूचुअल है, लगभग म्यूचुअल है। तुम्हारी वीडियो के जो आते हैं लोग देखते हैं उसमें भी कमेंट करते हैं शोविद भाई के कमेंट। सही कमेंट हां तेरे वीडियो पे। अरे भाई इसे मतलब वो रहता है ना प्रमोशन, सबको लगता है कि भाई वो तो है भाई YouTube की। तो अभी गाइस हम लोग ले रहे हैं शॉर्ट्स, आपको दिखेंगे इनके चैनल पे शॉर्ट्स, आप लोग जाके देखना है मेडिको इन्फो पे, इसमें टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे। तो अभी गाइस हम लोग बात करते हैं मेडिको इन्फो से। अभी आपको नीट में कितना मार्क्स आया? मेरा 402। सो गाइस अभी आपके 10th में कितना आए थे? 10th अंदर वही 77। 12th में 78। कॉलेज के टॉपर 78 पे। हाँ वैसे कहाँ से हो आप भाई? मैं अमरोहा UP 23। यूपी से हो? UP 23 गाइस, बिहार UP, भाई हम लोग भाई हैं गाइज। और वैसे गाइज अभी मेडिको इन्फो जा रहे हैं यूरोप, MBBS करने जा रहे हैं यूरोप। वैसे आपने फॉरेन क्यों चूज़ करा इन? मतलब एक तो वही मतलब मैंने 18 में किया था तो एक टाइम ज़्यादा निकल रहा है, अभी एक साल और करता प्रिपरेशन तो वो भी आ जाए। मतलब बहुत टाइम बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये है अब तो नेक्स्ट बन और सब में करते हैं, इंडिया से करो या फिर अब्रॉड से करो, आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। अब तो देना ही पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसलिए गाइस ले लेते हैं, एक साल बच जाएगा। वो तो है। तो भाई जा रहे हैं गाइस यूरोप MBBS करने, गाइस भाई जा रहे हैं यूरोप। एंड बाकी जो भी जर्नी रहेगी वहाँ की पूरी शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, कैसे क्या एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह, या फिर वहाँ पे आने को इंडियन स्टूडेंट को कैसा क्या फेस करना पड़ता है, कैसे डिफिकल्टीज आती हैं, सब कुछ अपने चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को और आपको पूरा वहाँ का डिटेल्स मिल जाएगी इन चैनल पे कि इनका इनका एडमिशन कैसे हुआ, फीस वगैरह क्या लगा, सब कुछ प्रोसेस। वैसे वीडियो बनाया आपने? वैसे कहीं वीडियो बनाया है भाई ने, आपने जाके चेक करना यूट्यूब पे, मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी गाइस बहुत टाइम स्पेंड के साथ में हम लोग बहुत टाइम सीपी में किए, वीडियो तो कम बनाया है। फर्स्ट टाइम मिले खाया था भेलपूरी, भाई ने गाइस फर्स्ट टाइम भेलपूरी खाया है तो उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। अरे भाई वैसे भाई भेलपूरी मेरे शहर में बहुत मिलता है। सो गाइस हमने काफ़ी टाइम स्पेंड करा साथ में, अब टाइम आ चुका गाइस इनको जाने का घर पे, क्योंकि लेट हो रहा है। आपका घर भी जाना, फ्लैट भी ना, मतलब रूल रेगुलेशन होता है ना घर में। वैसे ये नहीं कि दिल्ली है तो हम रात भर घूमेंगे, ऐसा नहीं कुछ है। अभी मैं भी जाऊँगा घर पे गाइस। तो फिलहाल भाई को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं यहाँ से। होप यूरोप जाऊँ मैं तो मिलो इनसे, या फिर आप वेलकम एवरी टाइम। अरे भाई ओके गाइस भाई चलते हैं फिर अभी छोड़ते हैं मेडिको इन्फो को, फिर निकलते हैं हम लोग भी।